हरो ढूंढा अमित्य, कहीं नहीं मिली। मुझ तक मेरी हार की सूचना पहुंचाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता। अब तुम पर है, मुझ तक जीत की सूचना पहुंचाओगे या हार की? ढूंढो उसे, अनुसुया, अनुसुया, अनुसुया। पत्थर भी कमाल की चीज है ना, कभी रास्ते में रुकावट बनता है तो कभी रास्ते की रुकावट हटा देता है। तक्षशिला कुमारी, जिस स्वप्न को दिखाकर तूने मेरे भाई को छला, उस स्वप्न का जन्म हो गया। परंतु जिस स्वप्न को दिखाकर तुमने पौरव राष्ट्र की आंखें बंद कर देनी चाहिए, उस स्वप्न को आज मैं समाप्त कर दूंगा। Hey!
आज नहीं बच पाओगी अनुसुईया, आज नहीं। प्रेम की बेड़ी मेरे भाई के पैरों में बांध कर तुमने उसे अविश्वास के गर्त में धकेल दिया। आज तुम और तुम्हारी संतान इसी ऊंचाई से जहलम की गर्त में जाएगी। कैसी परीक्षा है मां, तुम ही ने मुझे स्वप्न दिखाया था ना कि मेरी संतान लौ पुरुष होगी, इस संसार का इतिहास बदल देगी। क्या इतिहास बदलने वाले का नाम इतिहास बनकर रह जाएगा? नहीं मां, ये मेरे पुत्र का अंत नहीं है। जिसे भारत का रक्षक बनना है वो एक द्रोही और कायर की मृत्यु नहीं मरेगा। यदि मेरे स्वप्न में तनिक भी सत्य है, यदि इससे भारत का रक्षक बनना है तो ये इसका अंत नहीं हो सकता, इसे जीवित रहना होगा। इसे जीवित रहना होगा मां, इसे जीवित रहना होगा मां। शिवदश्री नहीं, शिवदश्री नहीं, की कहा था अनसुईया ने, जिसे भविष्य में भारतवर्ष का भाग्य बनना था वो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता था।
जिसे मेरा रक्षक बनना था, मैं कैसे उसका भक्षण होने देती। पत्थर को देखो अनुसुया, यह पत्थर उस बोझ के समान है जो मेरी छाती पर तब से रखा है जब से बमनी ने तुम्हें पौरव राष्ट्र की महारानी बनाया है। पत्थर नहीं बनते हैं किसी इमारत की, पर यह पत्थर नहीं बनेगा पौरव राष्ट्र की महारानी की समाधि का। हम जानते हैं तुम इसी नौका पर हो। आपका तो एक ही पुत्र था, फिर ये दूसरा। दस्यु आ गए।